हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टिप्स बाय ऑन में। दोस्तों, आज हम करेंगे कि हम कैसे ऑटोकैड के अंदर एरे कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह होता है हमारे पास एरे कमांड का सिंबल या मॉडिफायर के अंदर मिलेगा। दोस्तों, हम जैसे इसे क्लिक करते हैं, हमारे पास तीन तरह के एरे होते हैं। सबसे पहले होता है रेक्टेंगुलर एरे, फिर पाथ एरे, और फिर होता है दोस्तों हमारे पास पोलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे क्या करता है दोस्तों, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसकी कॉपी क्रिएट कर देता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे दोस्तों हम इसका यूज करके देखते हैं, जैसे मैं रेक्टेंगुलर एरे पर क्लिक करता हूँ और देखो ये पूछता है मुझसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको जो भी ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास ये रेक्टेंगल है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं एंटर करता हूँ। ये देखो फ्रेंड, यहाँ से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने इसकी नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट कर दी मेरे ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। दोस्तों, ये मेरे पास आ गए। दोस्तों, आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हो, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आपको कॉलम कितनी रखनी है। जितनी मेरे पास कॉलम है, देखो यहाँ पर चार कॉलम दिखा दे रही है। इसी तरह कितनी रो रखनी है, आप वहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, इसके लेवल क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी कॉलम में चेंज करते हैं। मान लो मुझे एक कॉलम को उड़ा के 6 करना है, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ। फ्रेंड्स, इसको मैंने एंटर किया, ये देखो मेरे पास 6 कॉलम आ गई। फ्रेंड्स, इसी तरह मैं इस रो को यूज़ कर सकता हूँ। इसको रो को मुझे उठाकर 5 करना है, इसको मैं एंटर करता हूँ और ये मेरे पास 5 रो होगी मेरे पास। दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आप इसके बीच का डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। मुझे कॉलम के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह दोस्तों, मुझे रो के बीच का डिस्टेंस होगा यहाँ से, उसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास लेवल। लेवल क्या होता है, ये आपको जेड की डायरेक्शन में इसकी पोजिशन एक और इसकी कॉपी क्रिएट कर देता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे मैं लेवल करता हूँ, लेवल मैंने 10 किया और इसको एंटर कर दिया। इसके बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये देखो फ्रेंड, तो लेवल क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर देखता हूँ, ये इस तरह से, ये देखो उसने 10 कॉपी क्रिएट कर दी जेड की डायरेक्शन में, जितनी भी रिवर्स कॉपी होगी फ्रेंड्स, और ये उसके बीच का हम डिस्टेंस वहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आपके पास रेक्टेंगुलर एरे। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास आता है पोलर एरे। पोलर एरे क्या करेगा, ये तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कॉपी क्रिएट करता था, किंतु पोलर एरे किसी एंगुलर, कोई आपको एंगल चाहिए या किसी एक सर्कुलर अबाउट चाहिए, तो उसके एंगल में आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करता है। जैसे हम करके देख लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर एक सर्कल को क्रिएट किया इस तरह से। मैं अगेन एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट पर यहाँ पर ये मेरे पास सर्कल हो गया। अब जैसे मेरे पास ये सर्कल है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके मैं कॉपी करना चाहता हूँ, मुझे एक एंगल यहाँ पर 45 डिग्री पर यहाँ पर यहाँ पर जहाँ पर चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा दोस्तों, उसके लिए मैं जाऊँगा पोलर एरे के अंदर। पोलर एरे के अंदर जैसे मैं गया, ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को उसको एंटर कराया, और उसके बाद देते हैं हम सेंटर पॉइंट कि किस सेंटर सर्कल के अबाउट इसको रोटेट कराना है। तो हम देंगे ये सेंटर पॉइंट, ये देखो दोस्तों आपके पास नंबर ऑफ आइटम आ गए। अब यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 6 है, इनको मैं यहाँ से बढ़ाकर 8 कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको 8 करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये देखो नंबर ऑब्जेक्ट 8 कॉपी हो गए। दोस्तों, इसी तरह आप इसकी रो रखते हैं, जैसे ये रो है दिखाई दे रही है, अब इसको मैं रो को 3 करता हूँ, ये मैंने एंटर किया, ये देखो ये इसकी एक एक रो ये होगी दोस्तों, सेकेंड रो और ये थर्ड रो मेरे पास आ गए फ्रेंड्स, ठीक है। उसी तरह आप लेवल भी हो सकते हैं कि आपको कितने लेवल रखने हैं, जो कि जेड की डायरेक्शन में ही शो होंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका पोलर एरे। इस तरह आप पोलर एरे को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टाइप है दोस्तों, वो है मेरे पास पाथ एरे। पाथ एरे के लिए आपके पास कोई पाथ होना चाहिए। इसके पहले हम पाथ क्रिएट कर देते हैं, हम सप्लाइन का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ से सप्लाइन लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, इस तरह मैंने एक यहाँ से ये पाथ क्रिएट कर दिया फ्रेंड्स, ये इस तरह से ये मेरा पाथ हो गया। उसके बाद मैं कोई एक ऑब्जेक्ट उठा लेता हूँ, यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया यहाँ से इस तरह से, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ पाथ एरे के अंदर, जब पाथ एरे करता हूँ, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, उसको एंटर किया, उसके बाद पाथ करो हो गया बस। ये देखो दोस्तों, जैसे जैसे आप था उसके ऑब्जेक्ट उस टाइम में आ जाएगा दोस्तों। तो ये था कि आप किस तरह से एरे कमांड को यूज़ कर सकते हैं ऑटो कैड के अंदर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।